आम का सीजन है और आम हम सभी को खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। मार्केट से लेकर आते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि केमिकल से पकाया गया है या फिर नेचुरल तरीके से। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 5 ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप नेचुरल तरीके से घर में ही आम पका सकते हैं। इसके लिए किसी केमिकल की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपके किचन में, आपके घर में होंगी और आम का स्वाद इतने गजब का आएगा कि आप एक बार इन तरीकों को देख लेंगे तो बस जब भी कच्चे आम को पकाना होगा इसी तरह से पकाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं आम पकाने की सबसे पहली टिप। तो मेरे पास है एक जूते का डिब्बा, इस तरह से दफ्ती का आप कोई भी डिब्बा ले सकते हैं। नहीं है तो जैसे मैं जूते का ली हूँ, जूते का डिब्बा भी ले सकते हैं। इसके नीचे हम रख देंगे न्यूज़पेपर और अब एक एक आम इसमें अच्छी तरह से सेट करके रख देंगे। अब हम लेंगे थोड़ा सा न्यूज़पेपर और इस तरह से फाड़ कर इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहे तो कैंची या चाकू की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसके ऊपर डाल दीजिए। अब फिर से थोड़ा सा न्यूज़पेपर लेंगे और डिब्बे के हिसाब से इसको फोल्ड करके ऊपर से रख देंगे। तो बस अब एक रस्सी में इसको बांध देंगे और इसको हमें रखना है कहीं गर्म जगह पर और इसको हम चेक करेंगे चौथे दिन। आम की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इसकी खुशबू से ही पता चल रहा है कि आम बहुत अच्छे से पक चुका है। तो ये देखिए सारे आम बहुत अच्छे से पक चुके हैं, जबकि इतने बड़े साइज के आम हैं। अगर आप छोटे साइज के आम लेंगे तो और जल्दी से ये पकेंगे। तो सारे आम बहुत अच्छे से पके हैं। पके हुए आम आप मार्केट से लाते हो, काफी महंगा मिलता है, कच्चा लेंगे वो थोड़ा सस्ता होता है। इस तरह से आप आम घर में पकाएंगे तो आपके पैसे तो बचेंगे ही बचेंगे और साथ में हेल्थ के लिए भी ये आम बहुत अच्छा होगा। अब सेकेंड टिप के लिए हम लेंगे स्टील का कंटेनर और इसमें नीचे न्यूज़पेपर बिछा देंगे। इसके साइड से भी न्यूज़पेपर लगा देंगे। न्यूज़पेपर लगाना बहुत जरूरी है, अगर बिना न्यूज़पेपर के आप इसमें आम रख देंगे तो ढेर सारा पानी आ जाता है। आम तो पक जाता है लेकिन पानी आ जाता है जिससे आम के खराब होने का डर होगा। तो न्यूज़पेपर इसमें चारों तरफ से लगा भी दीजिए और नीचे बिछा भी दीजिए। अब जितना भी आम डिब्बे में आ जाए आम को इसमें रख दीजिए। इस तरह से स्टील के डिब्बे में रखने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 छोटे साइज का प्याज। बड़े साइज का भी डाल सकते हैं, मेरे पास छोटे साइज का है तो छोटे साइज का डाल दे रही हूँ। और जो न्यूज़पेपर साइड में है इसको अंदर की तरफ इस तरह से कर देंगे, ऊपर से थोड़ा सा न्यूज़पेपर और रखेंगे, ढक्कन को बंद कर देंगे। अब इसको हम कहीं भी रख सकते हैं, ठंडी जगह पर नहीं रखना है, रूम में किचन में कहीं भी रख दीजिए। और इसको हम चेक करेंगे 5वें दिन। जितने भी बड़े आम हैं, छोटे आम हैं, सारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं। प्याज को हम हटा देंगे तो इसको भी मैं कट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से पक चुका है। अगर आपको एकदम गला आम पसंद है तो एक दिन के लिए और रख सकते हैं इसको भी, लेकिन हम लोगों को इसी तरह से पसंद है तो मैं इसी तरह से इसको निकाल रही हूँ और इसी तरह से हम इसको खाएंगे। नेक्स्ट टिप के लिए लगभग 1 कप पानी लेंगे एक बर्तन में और इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच के करीब नमक। अब इस पानी में पहले हम नमक को घोल लेंगे और फिर एक एक आम ऐसे डालेंगे सब तरफ से पानी में आम को ऐसे लपेटते हुए, मतलब पूरे आम में नमक वाला पानी अच्छे से लग जाए। इसको दूसरे बर्तन में रखेंगे। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि इसका सारा पानी अच्छी तरह से सूख जाए। आप चाहे तो फैन की हवा में भी रख सकते हैं जिससे कि पानी जल्दी से सूख जाए। जब इसका पानी सूख जाएगा फिर हम इसको स्टोर करेंगे। तो इधर आम का देखिए सारा पानी सूख चुका है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब आम पकाने के लिए हमें इस तरह से दफ्ती का डिब्बा चाहिए, कार्टून चाहिए। इसमें नीचे हम बिछा देंगे पेपर। अब इसके ऊपर एक एक आम इस तरह से रख देंगे। आप चाहे तो लेयर बाय रखिए या तो फिर ऐसे ही एक साथ सारा आम रख दीजिए। और ऊपर से फिर से न्यूज़पेपर लगा देंगे, इसका ढक्कन बंद करेंगे और किसी सुतली से बांध देंगे। आप चाहे तो टेप से चिपका भी सकते हैं। अब इस डिब्बे को हम कहीं भी रख देंगे, ठंडी जगह पर नहीं रखना है, रूम में ही कहीं रख दीजिए। और 3रे दिन हम इसको चेक करेंगे। 3रे दिन ही आम बहुत अच्छे से पक चुका है, किसी किसी पर कलर हल्का सा आ गया है और कोई कोई देखने में हरा ही लग रहा है। सारे आम बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो एक आम मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, वैसे ही आम 3रे दिन ही खाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन आपको अगर एकदम गला हुआ चाहिए तो 1 दिन के लिए और रख दीजिए। तो देखिए बिना किसी केमिकल, बिना किसी खर्चे के कितने आसानी से घर में ही आम पक गया है और इसका स्वाद भी बहुत गजब का होगा।
नेक्स्ट टिप के लिए हम फिर से कच्चा आम लेंगे और न्यूज़पेपर चाहिए तो एक न्यूज़पेपर में हम 4 टुकड़ा कर लेंगे और आम को इसमें अच्छी तरह से लपेट लेंगे। तो इस तरह से सारे आम को लपेट लेंगे। अब हमें चाहिए इस तरह का मोटा झोला। आपके पास अगर जूट वाला बोरा है तब और अच्छा है, नहीं है तो इस तरह से मोटा झोला तो होगा ही, मोटा नहीं है तो 2-3 झोला एक साथ कर लीजिए और उसमें आम को रख दीजिए। इस तरह से एक एक आम इसमें रख देंगे और इसमें नॉट लगाकर हमें रख देना है गर्म जगह पर। 4 दिन में ही ये आम बहुत अच्छे से पक जाता है। तो 4 दिन के लिए हम इसको इस तरह से रखेंगे और 5वें दिन चेक करेंगे। अब हम इस झोले वाले को चेक करेंगे। जो पेपर हम लगाए हैं इसको भी हटा देंगे। तो देखिए सारे आम बहुत अच्छे से पक चुके हैं। एक एक करके सारे पेपर हटा देंगे। अब मैं एक आम कट करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से ये पक चुका है। तो ये देखिए कितना बढ़िया आम पका है, ना कोई केमिकल ना किसी तरह का खर्चा। आप घर में बहुत आसानी से इस तरह से आम पका सकते हैं। नेक्स्ट टिप के लिए फिर से मैं स्टील का डिब्बा ली हूँ और नीचे पेपर लगाती हूँ, साइड में भी पेपर लगाती हूँ। पेपर लगाना जरूरी ही है, आप किसी भी तरह से आम पकाइए, लेकिन अगर स्टील का डिब्बा ले रहे हैं तो साइड में भी पेपर लगाएंगे और नीचे भी रखेंगे, क्योंकि इसमें पानी आ जाएगा और फिर आम जल्दी खराब होने लगेगा। पक तो जाएगा लेकिन जल्दी खराब होने लगेगा। तो इस तरह से न्यूज़पेपर लगा देंगे, जो भी पानी निकलेगा न्यूज़पेपर सोक करेगा। तो अब इसमें हम कच्चा आम रखेंगे। इस तरह से एक एक आम सेट करके रख देंगे। तो बस इस तरह से डिब्बे में जितना आम आसानी से आ जाएगा उतना रख देंगे। और अब लेंगे एक कटोरी में नमक, 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब नमक ले लेंगे। बीच में हम ऐसे नमक रख देंगे। अब जो न्यूज़पेपर साइड में है इसको बीच में करेंगे और अच्छे से ढक देंगे। अगर अच्छे से नहीं ढक जा रहा है तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर आप और ऊपर से रख सकते हैं, क्योंकि अच्छे से ये ढक चुका है तो मैं ऊपर से नहीं रख रही हूँ। अब इसको हम बंद कर देंगे और तीसरे दिन को चेक करेंगे। तो तीसरे दिन हम इस वाले आम को भी चेक करेंगे। अगर हम इसमें पेपर नहीं लगाए होते तो अंदर काफी पानी आ जाता, जिसकी वजह से आम जल्दी खराब होता। देखिए इसके ढक्कन में कितना पानी है। पहले हम नमक को हटा देंगे और इस नमक को फेंकना नहीं है। नमक आपका एकदम अच्छा है, इसको आप किसी भी खाने में यूज कर सकते हैं। सारे आम देखिए बहुत अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए मैं इसको दबाकर चेक कर रही हूँ तो बहुत अच्छे से पक चुके हैं और कलर तो नहीं चेंज हुआ है, हल्का फुल्का चेंज हुआ है, लेकिन जब मैं इसको टच कर रही हूँ तो देख रही हूँ आम बहुत अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसको भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये आम पका है और कितनी जल्दी से पका है। नमक की वजह से बहुत जल्दी आम पक जाता है। तो इस तरह से आप भी कच्चे आम को बस नमक की मदद से बहुत आसानी से बहुत जल्दी से पका सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें से आम पकाने का कौन सा तरीका सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।